और भाई यहाँ पर सुबह सुबह हो गई है और सब सो रहे हैं। मेरे हस्बैंड की तबीयत नहीं ठीक थी पूरी रात ही नहीं, उसे अभी 3:30 का टाइम था तो मेरे हस्बैंड ने कहा आप उठे मुझे जो ना अदरक वाला कहवा बना के दे, मुझे नींद नहीं आ रही, पसलियों में काफ़ी ज़्यादा दर्द था। अभी सब सो रहे हैं सुकून से तो यहाँ पर मैंने अदरक ली और अदरक को थोड़ा सा कूट के ना डाल दिया और ये बैठे रहे हैं सारी रात ऐसे, इनको नींद नहीं आई तो इनकी वजह से मैं भी डिस्टर्ब हुई। मैंने कहा इनको बस जल्दी से सुबह और आराम आए, तो यहाँ पर अदरक वाली चाय जो है ना बहुत अदरक वाला कहवा बहुत मज़े का होता है और ये फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा देता है। तो इन्होंने कहा कि मुझे हल्की सी पत्ती भी जो है ना आप डाल के दे, मुझे ऐसे नहीं अच्छा लगेगा। तो शहद तो यहाँ पर था नहीं, नहीं तो थोड़ा सा शहद डाल देते तो बहुत जो है ना अच्छा होता है खांसी के लिए अदरक वाला। और ये एकदम से हो गया कहवा रेडी और इतना मज़े का ये बना था ना, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना टेस्टी और बहुत मज़े का। तो यहाँ पर ये बार बार मुझे कह रहे थे कि जल्दी करो, मैंने कहा मेरे हाथ बर्फ़ हो गए हैं, तो ये भी थोड़े थोड़े मैं साथ साथ जो ना गर्म करती रहूँ। तो बस चाय जो ना इतनी अच्छी, ये अदरक मुझसे ज़्यादा कूटी नहीं गई, मोटे मोटे मैंने दरदरा सा कूटे। ये देखिए एकदम से कहवा मज़ेदार अच्छा रेडी हो चुका है, तो इंजॉय करते हैं कहवा। तो बस नाश्ते में आज बन रही है हमारे घर कलेजी, तो बस ये जल्दी बनाती हूँ क्योंकि सबको चाय वगैरह तो सबने पी ली, अभी नाश्ते की बारी है। तो रोटियां बन गई हैं और सालन मैं बना रही हूँ और यहाँ पर मेरी कलेजी जो ना हो चुकी है रेडी, भुनी जो ना अच्छी तरह लग चुकी है, उसके बाद धुएं की वजह से जो ना नज़र नहीं आ रही, बहुत मज़े की। ये देखिए घी निकला है, अब जो ना इसमें डालेंगे शोरबे के लिए पानी। ये कह रहे मैं तो खाऊंगा चटनी, ये कलेजी आप खाना मैं नहीं खा रहा। मैंने कहा चलो सालन हमारा बनकर सालन बहुत मजे का खारा पूरा मामा भरी, बहुत मजे का और टेस्टी सालन बना आज कलेजी का। और ये सालन जो है मैंने फातिमा के लिए और वकार के लिए थोड़ा सा निकाल दिया क्योंकि वो ना कह रहे हमने अंडा और पराठा करना, मैंने कहा नहीं आप कलेजी भी थोड़ी सी खाइए मज़े की बनी है जी। इसको हवा में घुमा रही हूँ तो सही नज़र आ रहे हैं। और माशाल्लाह यहाँ पर मेरा बेटा और बेटी जो है अभी कर रहे हैं नाश्ता सुबह का। कैसा बना है नाश्ता? वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। और फातिमा की कलेजी फेवरेट जो है ना वो भी काफी अच्छी बनी है। फातिमा कैसा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा। लाइट नहीं है तो मैंने फ्लैश ऑन किया हुआ है, तो बच्चे माशाल्लाह नाश्ता कर रहे हैं। और फातिमा के दहेज का ये मैंने छवि भी निकाल ली ना, ये देखे ये इसके दहेज की है, बाकी भी हैं और भी हैं, चाय भी है, सब कहे अंडा और पराठा खाएंगे। हाँ मैंने कहा नहीं अंडा पराठा नहीं। और ये अब कलेजी इसको काफ़ी पसंद है। चले आप नाश्ता करें, हम भी नाश्ता करते हैं। और माशाल्लाह ये देखें हमारा नाश्ता हो चुका है। ये साहब खा रहे अभी चटनी, ये कह रहे हैं मुझे सालन नहीं खाना चटनी खानी है। बाकी बच्चे जो है यहाँ पे अपना खाना खा रहे हैं, अम्मी वहाँ पर बैठ के खा रही हैं। तो बस सितारा को दे दिया, बस उतने कहा मैंने हल्का फुल्का ही करना है। बाकी साजिद भाई, कौसर भाभी, राबिया बाजी सब जो है अपने अपने रूम में खाना लेके चले गए। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड के जूते जो मैंने साफ कर दिए तो अभी ये रेडी हो रहे हैं। हाँ जा रहे हैं मुझे छोड़ के? आपको पता है मेरा दिल नहीं रखता आपके बगैर। अरे भाई आप तो आपके सामने सारी बातें चल रही है ना। हाँ कि वो बस बात करना भी अच्छा नहीं लगता। नहीं इसी चीज़ के लिए मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। आप जीडी ने अच्छा नहीं किया ये। हाँ। इसलिए मैरिज करके अच्छा नहीं किया नहीं, बस अल्लाह पाक फातिमा को भी सबर दे, दुआ कर सकते हैं वैसे। हाँ बच्चे अल्लाह ताला उन्हें बच्चे। हाँ अल्लाह पाक दो फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। फिर बात करेंगे फोन पर के नहीं, बस हालात तो देख रहे हैं कि नहीं। आप मुझसे रابطے में रहिएगा, अपनी वाइफ से थोड़ा दूर होता है तो क्या कर रहा है। नहीं मैं आपको दूर नहीं करना चाहती और ना आप हों दूर। और अभी जो ना ये रेडी हो रहे हैं। और पता है आपको सुबह जहद भाई क्या कह रहे थे कि ये फारूक हम सबसे छोटे, अम्मी ये नदीम से छोटा हूँ, आबिद से छोटा हूँ, नदीम से छोटा, जहद से छोटा, काशिफ से छोटा, सबसे मैं हूँ छोटा। हाँ सबसे मैं हूँ छोटा। अभी सबको बाप लग रहा है, अब सबसे बड़ा लग रहा हूँ। अच्छा तो यूट्यूब फैमिली अभी मैं जा रहा हूँ घर। एक तो मेरी तबीयत काफ़ी नासाज है, मेरे गले का आवाज़ आप सुन रहे हैं और घर उधर अकेला है,
उमर को कल मैंने भेज दिया था, लेकिन वो बच्चा है वो अकेला घर और चौलिस्तानी भाई भी उनके साथ थे ना, नहीं संभाल पाएगा, इसलिए मुझे जाना जरूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से आप सबके प्यार दुआ से मेरी बच्ची का जो है वो अम्मा की दुआ से, और मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आगे मेरी बेटी का नसीब अच्छा करे, अच्छा घर में खुश रखे। हाँ हर बहन भाइयों के बच्चे जहाँ का यहाँ पर भी है उन सबको अल्लाह ताला उनके बच्चों को नसीब अच्छे करे, खुशियाँ उनके घरों में लाए। ये मेरा एक मैसेज था, आप सब ठीक होंगे और अभी अम्मा की दुआएं अम्मा का प्यार ये लेके चल रहे हैं हम अपने साथ। तो अम्मा जी हमें कीजिए अलविदा, इसको पैसे दे फरूक, आप इसको दो, पैसे लेने के लिए छोटी बोरी लेके आई इतनी तो हमने, आप इसे डाल दो ना, पैसे डाल दो इसको, मेरा पर्स है इसको पैसे डाल दो। अच्छा आपके मामू डाल रहे हैं इसमें, ये देखें नए नए नोट इसमें डाल रहे हैं, काफी आप खुश हो, अब जाओ चीज ले आपने मुझे बहुत दिया, थैंक यू थैंक यू। और मेरा आयु कुछ हो गया क्या कह रही, चलो आ जाओ मामू घर जा रहे हैं, मामू को गले लगा लो, मैं घर जा रहा हूँ। आपके मामू जा रहे हैं घर, मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ अभी, ओके ओके मैं अपने घर जाऊँ, नहीं जाओ आपके पास रहूँ, आपके गंदे मामू है ये, गंदे मामू है, गंदे नहीं है, अच्छे हैं, अच्छे हैं, ओके ओके। वो मामू की शक्ल है, आपके अब्बू की शक्ल है ना, मैंने उसको देखा ना तो फिर उसकी ये आंखें आईब्रो बिल्कुल आ गए, पूरे गांव वाले जो है ना हमारे जमा हो गए, तो सबका पहले तो पूरे गांव वालों का सबका दिल से थैंक यू, ठंड में इतना ज्यादा सर्दी में मैं सबको बोलती रही हूँ कि अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आना, अच्छी तैयारियों के साथ आना, धूमधाम से हम शादी करेंगे, और वही कह रही हूँ कि सबने पहने अच्छे से अच्छे कपड़े पहने, और बहुत अच्छे से हमने शादी ये वाली की है, मतलब धूमधाम से की है, रस्में बहुत अच्छे से की हैं, इतना ज़्यादा ठंड के बावजूद भी हमने कोई रस्म कोई कुछ भी नहीं छोड़ा, और बहुत अच्छे से किया। अभी सब गांव वालों से पूछते हैं आप सबको मज़ा आया है, ठंड का पता नहीं चला, गाँव वालों गाँव वालों मज़ा आया, सभी बहुत लगी। चलो गांव वालों से अब रिव्यू ले लेते हैं, शादी का बताओ कि शादी बहुत अच्छी जबरदस्त, और ऐसे जो है ना हमारी सोच भी नहीं थी कि इतना बड़े फंक्शन होंगे और इतनी सेलिब्रेशन होंगी, ये सब सिस्टर को नाम मैं अपनी तमाम खुशियों का सहरा सितारा के नाम, अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि अच्छे से अच्छा करूं, अब बाकी सब आप भी बताना कि कैसा है, मेरी तरफ से बहुत कोशिश थी कि मैं अच्छे से अच्छा करूं, जब तमाम आगे भी इससे बढ़ चढ़ कर जो है ना हम साथ साथ गांव वाले अपने रिश्तेदार बहन भाई मिल के इससे भी ज्यादा इंटरटेन, पूरे गांव वालों ने बहुत एंजॉय किया, हमारी यूट्यूब फैमिली ने भी एंजॉय किया, यूट्यूब फैमिली ने भी एंजॉय किया, आपने एंजॉय किया या नहीं? मैंने तो बहुत, आप ही बताएं आपको कैसी लगी शादी? बहुत अच्छी, मुझे लगता है ये हमारी फैमिली में क्या हमारे खानदान में सबसे अच्छी और बेस्ट, हमारी नस्लों में नस्लों में पहली अच्छी शादी हुई है, वाओ चलो इस पे ताली बजा दो, चलो गांव वाले सब जा रहे हैं अपने घरों में तैयारी करके, यूट्यूब सबका थैंक, सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने शिरकत की शादी में, सबका ये बोला ना सितारा यासीन। मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे
ये लगता है अपनी फैमिली में आई हूँ और मैंने बहुत इंजॉय किया। गौ सर इधर इधर गौ सर बताए, गौ सर तो बोली भी नहीं है, ग्लव्स भी नहीं बोली, इसको जरा पकड़ो इसको सामने लाओ, ज्यादा ठंड लगे। इसका मैं बताती हूँ, ठहरो ठहरो, इसका बता तो इसकी तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन मैंने इसको कहा था कि कपड़े अच्छे अच्छे पहनना, अच्छी तैयारियों के साथ हमारे साथ शादी अटेंड करना। अभी पूछते तुम्हें मजा आया या नहीं आया? शादी कैसी थी? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। नहीं देखी ये फर्स्ट फंक्शन था जो सितारा ने इस तरह, सब लोग सितारा के लिए हाथ उठा के दुआ करें। मैं भी मांग रही हूँ अल्लाह ताला इसको ऐसे ऐसे हमेशा खुश रखती है। अभी हम मुस्तफा की शादी करेंगे ना तो वो पूरा पाकिस्तान देखेगा शादी, पूरी दुनिया, वो तो दुनिया भर से देखेंगे लेकिन बहुत गई थी अपने सारे अपने बच्चों के लिए दुआएं मांग रहे हैं, हमारे बच्चों की शादियां है, इससे बेटियों के नसीब बच्चे करें, लाइफ भी आसानी दे, सबके लिए सबके लिए, चलो खुश रहो सब, चलो चलो बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना दूर से आई हैं, बहुत शुक्रिया आपका, प्यार इतना ठंड प्यार खींचना सफर इज्जत दे अल्लाह ताला आपको हर परेशानी से, दुश्मनों से, हासिदीन से, मुनाफिकों से बचाए रखे और अपने घर का सुख नसीब करे, खुशी अच्छी दे, आमीन बस आप दुआएं देते हैं। चले ईमान को भी कुछ कहना, कई बार नहीं माने ईमान ना जाए, हार्ट की दोस्ती हो गई ईमान की बच्चों के साथ ना, बच्चे छोड़ ही नहीं रहे ईमान। ईमान आपने एंजॉय किया शादी? अच्छी बैग आपका नहीं है? चलो 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 फोन कर, ईमान बहुत खेली बहुत एंजॉय किया ईमान ने, हम भी कभी ऐसे थे, हम भी कभी ऐसे थे, रखे और अपने घर का भी आपको सुख नसीब करें, अपने शोर का साया कायम रखे, अपनी वालदेन का, अपनी दादों का, सुखियों का अल्लाह खुश रखे। अभी दुल्हनों की दुआ कबूल होती है, अभी दुआ करना सारी बच्चियों के लिए, इन बच्चों के लिए अल्लाह इनसे भी नसीब खोले। कोई गलती नहीं, एक अपने छोड़ के चार ये ऊपर से कोई बात याद आई, बस मुझे आपको बहुत याद आई, क्योंकि मुझे आप ज्यादा है, मुझे ज्यादा है, कम आई चलना है फातिमा घर जा रही है? हाँ मैं जा रही, सच बताएं? सच में जा रही, झूठा बोले सच है, आपको बताना था जरूरी। अच्छा वकार हम लोग जा रहे हैं, हाँ फातिमा का ख्याल रखना ठीक है, हाँ हम लोग जा रहे हैं। चल मैं तो फिर चलो हमारे साथ और मामी को भी जो ना। अच्छा भाई अपना ख्याल रखना ठीक है, तो भाई किसी चीज की कोई भी अल्लाह ना करे तो कॉल करना, मैसेज करना, बाप फौरन हाजिर हो जाएगा आपकी खिदमत में, और हमारी बेटिया बाप के हवाले आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शादी मुबारक, और अपने बस इतना यानी कि अपना ख्याल रखना, अभी हमें खुश अखर सो नाइस सो यू टू फैमिली, अभी गांव वालों इजाज़त, गांव वालों हमारी बेटी का ख्याल रखना, और जी इधर अपनी बड़ी गुड़िया से मिलने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने उन्हें बहुत बहुत प्यार किया, सपोर्ट की, अल्लाह ताला आप से जो ही इसी तरह बच्चों की खुशियां में नसीब फरमाए, आमीन, और पूरी फैमिली की खुशियां में नसीब, आप ऐसे हंसती और मुस्कुराती हुई रहें बस, जिंदगी में कोई परेशानी ना आए, आई एम प्राउड ऑफ यू, हां सिस्टर सिस्टर डॉटर, आई एम प्राउड ऑफ यू, ओके भाई अल्लाह हाफिज।
अब ये रोते हुए जा रहे हैं। और फातिमा भाग कर गई है कि मैं और मुस्तफा मिलने चला गया दोबारा से। अच्छा बच्चे ना अपने मामू के साथ बहुत जो है ना क्लोज जैसे होते हैं ना वैसे हैं। इकरा रो रही है जाते हुए ना, इतना प्यार जो मिला इसे भी यहाँ पर ना, बहुत प्यार दिया ना सबने, दिल लगा हुआ था। सबका बहुत प्यार रखा, सब बोलो जिस टाइम बोलो उसी टाइम बोलो। आधी रात को अगर अम्मा ने कहा कि मुझे भूख लगी तो उस वक्त उठ कर ना, हाँ मना नहीं किया कभी भी, हाँ चाय के लिए इसके लिए खाने के लिए कभी भी नहीं, बच्चों के साथ फातिमा सबके साथ, हाँ सबके साथ जो है ना, अब तो हमारी फैमिली का ये भी हिस्सा बन गया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, पता नहीं मेरे साथ आएगी। चलो फिर इंशाल्लाह मिले, इंशाल्लाह। चलो इकरा के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है, अभी हमें इस गांव में एक नई इकरा भी मिली है। भाभी साथ में लेकर आई थी, हम तो इसे जानते भी नहीं थे, भाभी जानती है ना, लेकिन तो इसने सबका दिल जीत लिया, सबका दिल जीत लिया यहाँ पर है, इतना ख्याल रखा है मेरा, बच्चों का, हम सबका, और खासकर पे दुल्हन की सवारी भी थी, दुल्हन के साथ रही है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ रह के, अब जाने को दिल भी नहीं कर रहा था, तो अभी नहीं जाओ बस बोल देना उसको आप नहीं आएंगे। हाँ नहीं नहीं चलो इंशाल्लाह, फिर अगले फंक्शनों में जब भी फंक्शन होंगे फिर भाभी उसको साथ मिलाइएगा, सही है, चलो सही है, चलो ये मेरी बेटी अभी जा रही है, ये भी मेरी बेटी, एक बेटी और मिलती है, ये बहुत अच्छी थी, और जब हम आएंगे ना फिर तो हमारे साथ चलना होगा, चलो ठीक है, ठीक है इसी तरह इसको लेके जाएंगे, ठीक है फिर घुमा कर फिर इस्लामाबाद चली गई, चलो हार दे रहे आ रहे हैं सब, इनका बैग तो देखो यहाँ पर है, चलो ईमान आप बैठो अंदर, चलो चलो ईमान आ जाओ अंदर, मैं क्या कर दे रहा चले ठीक, हमारी कोई वीडियो बनाए, हमारी कोई वीडियो बनाए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आ रहे हैं, हम एक जगह के आपस में एक दूसरे के, मैं तो कहती थी आप हमारे घर चलते हैं, बहुत सर्दी है, चलो जैसे ठंडी मीठी मौसम होती है ना, और यहाँ पे मामी फौजा को मिल रही है, मामी जा रहा है और मेरा दिल नहीं कह रहा कि क्योंकि मैंने आपका बहुत ख्याल रखा है जब से भी आई हूँ, आपसे एक मिनट के लिए भी नहीं दूर हुई, इसलिए दूर हो रही है ना, हाँ आज जा रही हो ना फिर कानपुर जाना ना, आज आज सब जा रहे हैं, मामी जा रही है, आंटी राबिया जा रही है, सब जा रहे हैं, घर से फोन आया कि आज आ जाओ, घर वालों को भी सबको याद आई है मेरी, हम तो भूल जाएंगे फिर मैं। अच्छा मामी कितने मिलोगे जी, याद आएगी, हाँ बहुत याद आएगी आप लोगों की, सबकी याद आएगी, बारी मां पूरे ब्लॉगर बन गए, फ्यूचर ब्लॉगर इधर लव ना बता घर है जी, क्या नहीं रहा है ना, पूरा कर गए ने सारे को, जो आपने चलना है हमारे साथ,
कानपुर नहीं चलना, ये कह रही थी मैंने जाना है, अभी कह रही मैंने नहीं जाना। आपको आइसक्रीम भी खिलाएंगे? नहीं चलना है, मोटर बाइक पे हमारे मामू के साथ आ जाना सर। मां भी जा रही है सर। नहीं नहीं आएगी, बैठ देंगे ना, नहीं इसमें वो फोन नहीं है मेरे पास, पास नहीं है। तो बस गाड़ी में बैठ गए भाभी भी और मेरे हस्बैंड भी, और यहाँ पर चाचू भी बैठ गए, आगे साजिद भाई। अल्लाह हाफिज़ भाभी, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखना। हाँ आप भी अपना ख्याल रखना, मैं बात करूँगी फिर, ठीक है, आपसे शाम को। बस यहाँ पर बैठ रहे सब आहिस्ते, चलो ठीक, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर सब अल्लाह हाफिज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर राबिया बाजी भी जा रही हैं। अच्छा राबिया बाजी, अल्लाह हाफिज़। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा, आपके साथ हमें भी बहुत अच्छा लगा, गांव वालों। और भी फाइनली आज जो है ना मेरी फरमाइश पर साजिद भाई लेके आलू मटर और गाजरे मटर जो है ना, यहाँ पर कौसर भाभी भी साथ हैं और सन्ना भी आ गए हैं। फौजिया से मैंने कहा है कि आप रोटी बनाओ, और फौजिया ने किचन में झाड़ू लगा कर ना एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया, किचन की हालत ख़राब थी। और काफ़ी सारे गेस्ट भी आज चले गए हैं, तो अब घर में जो है ना कम मेहमान हैं और कम खाना बनेगा सब कुछ। यहाँ पर माम आज सब जो है हेल्प कर रहे हैं, फौजिया बना रही है रोटी और मैं बनाऊंगी सालन, और साथ में ये मेरे हेल्प कर रही हैं कौसर भाभी और सना। और यहाँ पर जो है ना अभी तैयारी हो रही है आग जलाने की, और साजिद भाई को देखें लकड़ी इकट्ठा करें, यहाँ पर सितारा भी आई है, सब जो है ना मिलकर ना आग जलाते हैं, यहाँ पर वीडियो अपलोड करते हैं। हाँ सितारा, ठंड बहुत ज़्यादा और व्लॉग भी इसीलिए ही लेट आ रहे हैं, क्योंकि ठंड की वजह से ना यहाँ पे रुक कोई नहीं पा रहा, तो अभी आग जला रहे हैं। ये देखें बच्चे सारे मिलके हेल्प कर रहे हैं। बच्चे अभी तक खुशियां मना रहे हैं, देखिए ना एकदम से डरा दिया। हाँ। और हमारी वीडियो अपलोड नहीं हो रही। और यहाँ पर जो है ना आज मैं बना रही हूँ अदरक वाली चाय, अदरक और इलायची वाली चाय, और ठंड भी सबको लगी हुई, तो मैंने कहा एकदम अच्छी और गर्मा गर्म चाय पेश करते हैं कड़क। अब जो मेरी अम्मी चाय पहन रही है, अरे